जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने गुरुद्वारा सिंह सभा पहलगाम के बारे में बताया था कि कैसे वो अमरनाथ यात्रियों को यात्रा के दिनों में बिल्कुल मुफ्त में रखते हैं। वहाँ पर सिर्फ आप अपनी श्रद्धा से ही जो भी डोनेशन करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि आपने इतने पैसे वहाँ पे देने हैं। लास्ट ईयर इसके बारे में मैंने वीडियो डाली थी, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं सुरिंदर सिंह जी, उनसे लास्ट ईयर बात भी की थी। उन्होंने बताया भी मुझे जब इस साल मिला कि काफ़ी यात्री इस वीडियो से वीडियो देखी और मेरे पास आए और उनकी हमने सेवा करने का हमें मौका मिला, वो भी बहुत खुश हुए। अब मैं फिर से उनके पास आया हूँ, मगर इस बार गुरुद्वारे में नहीं हूँ मैं उनके साथ, वो मेरे पास आए हैं इस बार बेस कैंप में मिलने के लिए। तो आज मैं फिर से उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो आइए आपको सुरिंदर सिंह जी से मिलवाता हूँ, थोड़ा सा गुरुद्वारे के बारे में भी आपको बताएंगे और बताएंगे इस बार और क्या क्या फैसिलिटी यात्रियों को वो दे रहे हैं यात्रा के दिनों में। सबसे पहले आपको हर हर महादेव, जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं सुरिंदर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिला अंबाला, सेक्टर साहब हो रहा हूँ। जो हमारे गुरुद्वारे साहब में पहले मैं मोस्ट वेलकम यात्रा का करता हूँ। जो यात्रा हमारी सालाना यहाँ शुरू होती है, हमारा पूरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वेलकम, मोस्ट वेलकम करता है यात्रियों को। इनकी सहूलत के लिए हमने गुरुद्वारा साहब में लंगर लाए, रहने का भी हमने हर एक चीज़ ब्लैंकेट्स वगैरह रखी हैं, सारा ए टू जेड सामान रखा है हमने। सुबह 4 बजे वहाँ से यात्रा ऊपर चंदनवाड़ी की तरफ जाती है और वहाँ से श्रद्धालु जब आते हैं गुरुद्वारा साहब में, उनके लिए लंगर भी तैयार करते हैं। लगभग 450 से 450 यात्री वहाँ रुकते हैं। उनकी सुविधा के लिए हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला अनंतनाग गुरुद्वारा में लंगर हमेशा इनके लिए चालू रखती है। और जो भी यात्री किसी की जरूरत पड़ेगी यात्री को, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको देते हैं। किसी जगह भी उसको मुश्किल आने से कोई अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम साथ साथ रहते हैं यात्री को, और उस यात्री की सेवा के लिए हम खड़े खड़े हैं उनके साथ के साथ। तो और आपका चैनल से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके चैनल को, और मैं सब यात्रियों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, अपना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी शुक्राना करता हूँ, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। और यात्रा जो यात्री गुरुद्वारे साहब में ठहरते हैं उनका ही मोस्ट वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सुरिंदर सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप यात्रा के दिनों में इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ देगा और आप ऐसे ही सेवा करते रहें। मैं जो आपके एड्रेस है गुरुद्वारे का, लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाली थी उसमें बताया हुआ है, फिर से जो आपको बता दूं मैं, यहाँ से जो बेस कैंप है वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर सीधा पहलगाम सिटी की ओर जाना है, और सिटी क्रॉस करने के बाद वहाँ पे गुरुद्वारा और मंदिर साथ साथ आते हैं। पहले गुरुद्वारा आता है, लेफ्ट साइड पे बोर्ड भी लगा हुआ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो उसके थ्रू आप गुरुद्वारा में पहुँच सकते हैं। तो ये सुरिंदर सिंह जी आपको वहाँ पर मिलेंगे, आपकी सेवा में हर टाइम वो तैयार रहते हैं और इस बार भी तैयार मिलेंगे आपको। तो जहाँ पर जरूर रहें, और कोई आपको चार्ज नहीं पे करना, जो आपकी शर्त होगी सिर्फ आपने वही डोनेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की। हर हर महादेव।